जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों। दोस्तों, कभी आपका सपना है भोज में जाने का, और कभी दोस्तों ये वाली वर्दी आपको पहनना है, तो दोस्तों भूल कर भी दोस्तों ये गलती मत करना। आज का वीडियो दोस्तों है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि सर आपका सपना है भोज में जाने का, सपना है आपका, तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं कि सर भोज में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जब आपकी रैली भर्ती होती है तो वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज पूरे डॉक्यूमेंट आपके बीच लेके आए हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। कभी आपका सपना है भोज में जाने का, और बाबू अपनी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने संस्थान वापस आए हैं, और ये दोस्तों बाबू आदेश राजपूत आप सब लोग जानते होंगे, और बाबू का फाइनल पैरा कमांडो फाइनल सिलेक्शन हो गया है। दोनों भाई को इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले परिचय करवाऊंगा दोस्तों अभिनय से। अभिनय साथियों, जय हिंद। सर को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इंदौर फिजिकल एकेडमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज इस बदली में अपनी वापस अपने संस्थान में आया हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी रैली भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं। जी, सबसे पहले जब आप गेट पे जाएंगे एंट्री के लिए, तो आपको फौजी भाई आपसे एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड दो चीज पहले सबसे पहले मांगेंगे। जी, उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट से वो अंदर कर देंगे। जो बंदा हाइट से होगा तो उनका फेल हो जाएगा, हाइट में उनका एडमिट कार्ड वहीं पे जमा कर लेंगे, उसके बाद उसको वापस कर देंगे। जी, उसके बाद जब आपकी रैली भर्ती फिजिकल ओके हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाएंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों मैच करेंगे। उसके बाद आपका जो होगा निवास प्रमाण पत्र, सबसे पहले देखेंगे आपका निवास प्रमाण पत्र में कोई करेक्शन तो नहीं है। वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सिस्टम होगा, लेकिन इस बार बाबू क्या हुआ, अभी हाइट मेजरमेंट नहीं हो रही है, हाइट मेजरमेंट अंदर ही हो रही है आपकी, है ना। तो हाइट मेजरमेंट एक ही बार होती है, और पास हो गए तो पास रहेगा, फेल हो गए तो फेल हो गए, है ना। वो होगी आपकी फिजिकल टेस्ट के बाद, है ना। लेकिन जब भी आपकी एंट्री होगी बाबू, वहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड तो मांगेंगे, है ना। उसके बाद में आपकी एंट्री होगी वहां पर, कि कौन सा ट्रेड है आपका, है ना, कितनी तारीख को आपका फिजिकल टेस्ट है, तो वो चीज आपका डेटा वगैरह यहाँ पर सब लिखा हुआ रहता है, तो वो मान्य करेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अभी सपना है फौज का जाने का, तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि चरित्र सर्टिफिकेट वहां पर बहुत ज्यादा मान्य करता है। कभी चरित्र सर्टिफिकेट मतलब कहने का मतलब, कभी आप किसी प्रकार से आप लड़े बड़े करिए, है ना, या किसी प्रकार से कोई भी FIR हो गए आपके ऊपर, समझ रहे हो, तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस कार्यवाही होती है, पुलिस के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब चरित्र सर्टिफिकेट बनता है आपके थाना से, तो दोस्तों वहां पर आपका मामला डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि वो लिख के नहीं देंगे, क्योंकि चरित्र आपका खराब है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, लड़ाई वगैरह से बिल्कुल सावधान रहे, और जितना ज्यादा हो जाए उतना सेफ रहे, क्योंकि आप कभी लड़े भी नहीं हो रहे, कभी चलने वाले भी आपको जबरदस्ती वहां पर फंसा सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है कि बेटा ने बाप ने लड़ाई करी और बेटा को जबरदस्ती फंसा देना, क्योंकि इसकी नौकरी लग रही है, इसको मत लगने दो, है ना। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, पिताजी को समझाए, भैया को भी समझाए, माँ को, सबको समझाए, लड़ाई आपको नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई का घर जिसके बर्बादी का घर होता है दोस्त। तो मैं तो ये कहने का मतलब मेरा इतना सा है। फिर इसके बाद में दोस्तों, आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, कभी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो जाति की कोई जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है। यस, है ना, जाति की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कभी अन्य कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों आपका जाति सर्टिफिकेट, वो होना बहुत ज्यादा अनिवार्य, बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये आपका मूल निवासी, है ना, और ये दोस्तों होता है आपका चरित्र सर्टिफिकेट। ये तो नॉर्मल बनता है दोस्तों, कहीं जैसे हम यूपी बिहार की बात करते हैं वहां पर ऑनलाइन निकलने लग गया है। और सेकंड बात, जब आप फौजी बन जाएंगे, जैसे ये बाबू फौजी बना, जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वहां पर दोस्तों पुलिस ने ही दिया था, ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि ये तो आप फर्जी बना सकते, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब आप फौजी बन जाओगे ना, जब वहां पर वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पर मान्य नहीं करेगा, क्योंकि ये बाबू क्या बोलना चाहेंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी अभी ना हाल ही में पैरा कमांडो के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। जी, डॉक्यूमेंट आपके जितने भी होंगे सब ओरिजिनल होने चाहिए, एक भी फर्जी वाला होगा, अगर आपकी नेम में स्पेलिंग भी खराब है ना, तो वो भी नहीं चलेगी, उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और जो जनरल कैटेगरी का है, जैसे मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, राजपूत हूँ, तो हमारे गुरु जी एफिडेविट बनाता है एक जनरल कैटेगरी का, वो लगाता है, आप बिलोंग करते हैं उस जाति का आपका एफिडेविट बनता है। और क्या क्या समस्या आती है, किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जब आप फौजी बन जाते हैं, जब फौजी बन जाते हैं, जब गुरुजी RO बुलाया जाता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका एफिडेविट रहेगा, ठीक है, स्थानीय निवासी रहेगा,
स्थानीय निवासी के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा आपका, पुलिस स्टेशन का रहेगा, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, ग्राम पंचायत के गुरु जी उसका भी मांगते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का मांगेंगे, और तहसील का भी एक प्रारूप शपथ पत्र होता है गुरु जी, वो भी मांगा जाता है इसमें, और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी अगर फर्जीवाड़े से है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, आधार कार्ड, इसके बाद में आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है ना, ये जो मार्कशीट में जो नाम है आपका पता है, और आपके माता पिता का जो नाम है, स्प्लिंग कोई होना चाहिए नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एफिडेविट बनवा लो, और इसके बाद दोस्तों एक एफिडेविट बनता है कि मैं अपने स्वेच्छा अनुसार फौज में जाना चाहता हूँ, है ना, तो ये सर्टिफिकेट बनता है, एफिडेविट बोलते हैं दोस्तों उसको, या किसी प्रकार का कोई भी नेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट है आपको, तो वो मान्य होगा। बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, बंदे सोच रहे होंगे कि सर मैं फौजी बन गया, मेरा गांव का सरपंच मेरे से जलता है, है ना, या मेरा गांव का सचिव मेरे से जलता है और बना के नहीं देता है, तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी, कभी आप सही हो तो, कभी वो बना के नहीं दे रहा है, आपको फंसाना चाहता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, और कभी आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आप किसी प्रकार में कोई भी इंक्लूड नहीं हो, कभी आपका प्रधान, आपका सचिव, या आपका कोई भी तहसील में कहने का मतलब थाना वाला भी आपसे परेशान करना चाहता है, तो दोस्तों वो खुद फंस सकता है, क्योंकि आपको सही होना चाहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, 420 का टेस्ट होते हैं उसमें बराबर मामला हो जाता है, क्योंकि वो आपको बर्बाद करना चाहता है, समझ लो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, तो मैं तो इतने बोलना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो जाए उतना सेफ रहे, सेफ रहें, और कहने का मतलब लड़ाई बड़े से बिल्कुल दूर रहें, डॉक्यूमेंट अच्छे से पूरे सजा लें, सभी डॉक्यूमेंट की दो दो तीन तीन फोटो कॉपी करवा लें, और सभी डॉक्यूमेंट आपके स्पेलिंग सेम टू सेम होना चाहिए, जाति, मूल निवासी, इसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इसके बाद में आधार कार्ड, चरित्र सर्टिफिकेट, या किसी प्रकार का नेशनल सर्टिफिकेट है वो, तो ये तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट की वहाँ पर जरूरत पड़ती है। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और आदेश राजपूत क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, गुरुजी ने जो आपको बोला है वो फॉलो कर लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बाबू आप ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, और मैं आज वापस अपनी संस्थान में आया हूँ तो और अच्छा फील हो रहा है, वर्दी में आने का सपना था वो सर से आने का वो पूरा हुआ। बहुत बहुत शुभकामना, दिल की गहराई से, थैंक यू, जय हिंद।